आज सुप्रीम कोर्ट में एक शिक्षक हार गया, एक ऐसा शिक्षक जो पूरे बच्चों का भविष्य बनाता, उन वैसे अनपढ़ नेताओं का भविष्य बनाता है जिन्हें जनता के हित से कोई मतलब नहीं। क्या सचमुच हमारा संविधान खतरे में है? आप ऐसे ही जान प्रतीत होता है कि सचमुच हमारा संविधान खतरे में। हम अपने लिए नहीं हम जी रहे थे, हम अपने बच्चों के लिए जी रहे थे। हमें पूरा विश्वास था कि सुप्रीम कोर्ट हमें हमारे अधिकार को जरूर दिलाएगी। आज लगभग एक साल से YouTube पर, Facebook पर सर्च करते करते हमारे बच्चे भी जान गए थे कि वो समान ममा समान काम समान वेतन क्या होता है, आप समान काम समान वेतन क्यों बराबर दिखते हैं, वो भी उग गए थे। उन्हें भी अब रियलाइज़ हो गया था कि ये हमारे लिए बहुत एक ज़रूरी चीज़ है। हमें सुप्रीम कोर्ट पर बड़ी आस्था थी, लेकिन सचमुच अब लगता है जैसे न्यायपालिका कार्यपालिका सब बिक गए। मोदी जी, आप बात करते हैं डिजिटल इंडिया की, मेक इन इंडिया की, क्या हम शिक्षक उनका हिस्सा नहीं है? क्या हमारी कोई अहम भूमिका उसमें नहीं होती है? क्या हमारा अधिकार उन सबसे बड़े हैं? बातें बोलने को बहुत सारी है, बहुत सारे अरमान थे, अपने बच्चों का भविष्य बनाने के लिए बहुत कुछ सोच के रखा था, ये करूंगा वो करूंगी, सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। यहां मैं उस बात पर भी गौर कराना चाहूंगी उन तमाम संघों से जिन्होंने हमसे बड़े बड़े वादे किए थे। आज मैं उन संघों से कहना चाहूंगी कि आप शिक्षक होकर हार गए, शायद आपने वो पाठ नहीं पढ़ा, यूनिटी इज स्ट्रेंथ। सब अपनी अपनी रोटियां सेकने में थे, किसी ने भी शिक्षक के बारे में कुछ नहीं सोचा। हम नहीं हारे, सुप्रीम कोर्ट हमें हरा दिया। हम तो जीते हुए थे, हम एक शिक्षक हैं, हम एक शिक्षक हैं, हम तो जीते हुए थे। आज भीमराव अम्बेडकर हार गए, विश्वास हम पर हार गए, हम हार गए। हमारे सपने हार गए। एक ऐसे व्यक्ति ने हमें हराया जिनका परिवार से कोई मतलब नहीं है। वे कहते हैं कि हम उनके परिवार का हिस्सा है, पूरा परिवार उनका, पूरा देश उनका परिवार है। पर कभी क्या आपने सोचा कि उन बच्चों का क्या होगा, उन शिक्षक के परिवारों का क्या होगा जो इन पर पूरी तरह से आश्रित है? हम हार गए,
हमारी बच्ची हर गए। एक ऐसा शिक्षक हार गए जो अनपढ़ नेताओं का भविष्य बनाता है, जिसके बलबूते आज वो ऐश की जिंदगी जीते हैं। इनमें उनका कोई दोष नहीं, इनमें हम भोली भाली जनताओं का दोष है।